जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप रावत, फास्टैग फिजिकल एकेडमी फ्रॉम शिवपुरी मध्य प्रदेश। दोस्तों आज हम 1600 मीटर टाइम में लेंगे, उसमें बताएं बच्चों को किस तरीके से दौड़ाएं। तो बच्चों तैयार हैं? यस सर। तो भर्ती तुम्हारी कब है? 9:04:05 स्टार्ट है भर्ती। तो उसमें तैयार हो? यस सर। आज इसको फाइनल टाइमिंग समझ के दौड़ोगे कि नेक्स्ट टाइम में दोगे? फाइनल। यस सर। तो आज आपके लिए हम दो बंदे लाए हैं जो बताएंगे आपको किस तरीके से दौड़ना है। ए भाई आना इधर, बताएंगे वो। जय हिंद दोस्तों, मैं लासन एक एम पी ए के राय। मैं आज इन बच्चों से रूबा रहूँगा और इनके आने वाले भविष्य को की उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। और मैं समय समय पर इस इधर आता रहता हूँ और यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज इनकी आने वाली भर्ती प्रक्रिया को देखते हुए मैं इनकी रनिंग की स्टेमिना को देखूंगा और कुछ गलतियां और उनके लिए इनसे उनको सुधारने के लिए इनको बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक, सीडी दीपक साके। कुछ बंदे हैं मेरे भाई, हैं लोग ये जो नई तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये अपना फ्यूचर फोर्स में, हम लोग तो चले जाएंगे। तो ये भाई लोग हैं कुछ मेरे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पर इतना ही कहूँगा कि यही देश का भविष्य है। जय हिंद। बताया था कि किस तरीके से बच्चों को तैयारी करना है वो बताएंगे नेक्स्ट। लेकिन इससे पहले कि हम बच्चों से बता दें, कोई भी आए, एक लपकुश आना, क्या आप तैयारी से सेटिस्फाई हो? यस सर। आपकी टाइमिंग अभी क्या चल रही है? 5:10 चल रही है। क्या आज आप फाइनल टाइमिंग समझ के दौड़ोगे इसमें? यस सर। गुड। दोस्तों अभी हम टाइमिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जो अच्छे दौड़ रहे हैं, जो फ्रेशर है, उनको नंबर ऑफ राउंड पूरे करना है। आपको 1600 मीटर पूरी करना है। जो जो इनके फाइटर हो चुकी है, इनकी रनिंग अच्छी हो चुकी है, उनको टाइमिंग और 4 राउंड हमेशा उनको ध्यान रखना है। चाहे वो फ्रेशर हो चाहे न्यूअर हो, 4 राउंड पूरे करना है आपको एट एनी कॉस्ट। तभी हम आपकी स्टेमिना को जज कर पाएंगे, तभी हम आपका परफॉर्म भर पाएंगे कि किस आधार पर आपको तैयारी कराई जाए, ठीक है। और ये आप जब दौड़ते हो तो हमेशा ध्यान लगा करो, सामने वाले को कंप्लीट करो, ठीक है। ये मत बोलो जा रहा है तो जाने दे या रुक रहा है तो रुकने दे। हर एक स्टेप को कंप्लीट करो उनके साथ कि मुझे थोड़ा और दौड़ना है, इसके साथ कंप्लीट करना है, ठीक है। 4 राउंड हर बंदा पूरा करना, जितना पार्टिसिपेट करेगा, चाहे वो 4 मिनट की जाए 8 मिनट भी आए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस पूरी कवर करना है आपको, ठीक है। और पहला राउंड हमेशा कोशिश करा करो कि उसको थोड़े स्टेप बनाए जाएं। आप पहले राउंड को इतना खींच देते हो कि 4 राउंड तक स्टेमिना नहीं बचेगी आपकी, ये चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना। आपको बंदों को काटना है, स्टार्टिंग निकल का बहुत अच्छी बात है, बट पहले राउंड को स्प्रिंट नहीं देना 100 वाला। पहले राउंड को हमेशा स्टार्ट रखना है, बॉडी को एक्सीलेट करना है, उसके बाद में अपने आप को एक्सीलेट करना है, ठीक है। समझ में आ रही है ना? तो मैं उम्मीद करूंगा कि 4 राउंड पूरे हो, ठीक है। तैयार हो? जोश होने चाहिए, जज्बा होने चाहिए कुछ कर गुजरने का। भीड़ में अपनी जगह खुद बनाना है तुम्हें और अपने रास्ते खुद तय करना है। मैं दौड़ने नहीं आऊंगा या सर दौड़ने नहीं आएंगे वहाँ पर, आपको खुद दौड़ना पड़ेगा, खुद जज्बा जोश से साथ रहना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे अच्छे से दौड़ोगे, ठीक है। दौड़ोगे जो से बारे में आपको नहीं तेरे में
सेकंड वाला काट देगा भाई, इधर काट, इधर जाओ, सेकंड वाला काट देगा, सेकंड वाला वैसा काट देगा, नहीं काट, काट नहीं, काट नहीं, नहीं काट वाली भैया, ट्रैक को छोड़ दो, ट्रैक को छोड़ दो, ट्रैक को छोड़ दो, ट्रैक फटियो दूर, ट्रैक को छोड़ो, चल अंदर, ट्रैक छोड़ो, ट्रैक को छोड़ो, छोड़ कोई पकड़ा नहीं है आप मुड़के लेने पे बहुत अच्छे गुड शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नीचे देखो, हाँ लाला भाग जा, चल चल काम कंप्लीट, कवर कर आगे, 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 चवालीस पैतालीस चालीस सैतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन पाँच पाँच एक पाँच दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस एक मेरा मोबाइल लग रहा है, छत्तीस सैतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस
बयालीस तैतालीस चवालीस पैतालीस चालीस। तो दोस्तों अभी बताया था किस तरीके से टाइम लगाना है, बंदों ने अभी कितने अच्छा टाइम मारा था वहाँ, चार पैंतालीस, चार छियालीस, सैंतालीस, पाँच बीस तक सारे बंदे आ चुके थे अभी टाइमिंग में। तो आर्मी भर्ती के लिए तैयार है पूरी तरह से, मुझे लगता है इसमें कोई अब गुंजाइश नहीं है और तैयारी कराने की। अब बच्चे हमारे किस तरीके एक्सीडेंट मारना है उनको, उनको पता है, अब उनको कुछ तैयारी करानी जरूरत नहीं है। ये फाइनल टाइमिंग समझ के हमने टाइमिंग कराई थी। जय हिंद।